चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 25, 40, 50 और 15 है ना। तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका है ना 15। तो अब हमें 25, 40, 50 और 15 की जगह आपका लो 15, हाँ 15 और 30 कर लो है ना। ये कितने हो गए आपके, कितने डिजिट हैं ये, 25, 40, 50, 15 और 30 का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है इनका, औसत ज्ञात करना है। ये आंकड़े दिए हुए हमारे है ना, ये हमारे पास आंकड़े हैं। जैसे एक कक्षा में पहले दिन 25 विद्यार्थी आए, दूसरे दिन 40 विद्यार्थी उपस्थित हुए, तीसरे दिन 50 विद्यार्थी उपस्थित हुए, चौथे दिन 15 विद्यार्थी उपस्थित हुए और पांचवें दिन केवल 30 विद्यार्थी उपस्थित हुए। तो औसत उपस्थिति कितनी है पांच दिनों की औसत उपस्थिति हमें ज्ञात करना है। तो औसत उपस्थिति हमें कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अब आप औसत उपस्थिति हमें निकालना है। पहले दिन कितने विद्यार्थी आए थे, 25। दूसरे दिन कितने विद्यार्थी थे, तीसरे दिन 50, चौथे दिन 15 और पांचवें दिन 30 विद्यार्थी उपस्थित। तो औसत बराबर कितना, औसत बराबर क्या, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग लिखो यार, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, सभी आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की कुल संख्या औसत बराबर। अब सभी आंकड़ों का योग, तो इन सभी आंकड़ों को जोड़ लो, 25 + 40 + 50 + 15 + 30 और बटे में 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5। अब इन सबको अपन जोड़ते हैं, देखो 25 और 15 कितने हुए, 30 ने 40 हो गए, 15 और 25 तो 40 और 40 80 और 40 120 ने 10 130 ने 30 160 कितने हो गए 160 और नीचे कितना 5। अब 160 में 5 का भाग लगा दो है ना, 160 में अपन 5 का भाग लगा देते हैं, काट दो चाहो तो ऐसे भी काट सकते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा, भाग लगाओ या काटो एक ही बात होता है। 5 का पाड़ा बोलो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15 कितनी बार, 3 बार, 5 3 15 बचा कितना, 5 3 15 और ये कितने, 6, ये पूरे कितने, 16 में से 15 घटाओ, 5 3 15 तो ये पूरे 16, 16 में से 15 गए तो 1 इसको दिया तो कितना हो गया 10, 5 दुनी तो कितनी बार कटाइए, 32 बार। आप चाहो तो भाग दे के देखो तो भी 32 ही आएगा, काटो या भाग दो एक ही बात है, 5 3 15 बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 5 दुनी 10 तो काटो या भाग लगाओ एक ही बात है,
कितना उत्तर आया? 32। तो औसत औसत उपस्थिति कितनी है? औसत कितना आया? 32। तो इस तरीके से औसत आप निकाल सकते हैं कि भाई पहले दिन डॉक्टर ने 25 मरीज देखे, डॉक्टर ने पहले दिन कितने मरीज देखे? 25। दूसरे दिन 40 मरीजों का इलाज किया, तीसरे दिन 50 मरीजों का इलाज किया, चौथे दिन 15 मरीजों का इलाज किया और पांचवें दिन केवल 30 मरीजों का इलाज किया। तो बताओ औसत औसत मरीजों की इलाज करने वाले मरीजों की औसत संख्या कितनी है? तो 32। सबको जोड़ा और 5 का भाग लगा दिया क्योंकि 5 दिनों तक इलाज किया। दिनों की संख्या कितनी? एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 5 दिन, तो 5 का भाग लगा दो। इस तरीके से आप औसत बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना? ये मतलब औसत ज्ञात करने का तरीका है कि किस प्रकार से आप औसत ज्ञात करेंगे, ठीक है ना?